So good morning students, as we were doing कविता मनुष्यताम कर रहे थे और उसका लास्ट पैराग्राफ जो हमारा अभी डिस्कस करने वाला रहता है वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि मनुष्य को बाधाएं, जो भी उसके आगे बढ़ने में बाधाएं मुश्किलें आती हैं उनको पार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है, क्या कह रहा है कि चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मन चाहा मार्ग, जो मार्ग तुमने स्वयं के लिए चुना है। और तुमने स्वयं के लिए कौन सा मार्ग चुना है? एकता का मार्ग, दूसरों में प्रेम बांटने का मार्ग। और इस मार्ग में, इस इच्छित मार्ग में, मनचाहे मार्ग में तुम खुशी पूर्वक आगे बढ़ो। कोई भी काम करो, हमें उस काम को खुशी से करना चाहिए और खुशी से हंसते खेलते हुए तुम उस मार्ग में आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए राह में चाहे कितनी भी मुसीबतें, विपत्ति मीन्स मुसीबतें आए, विघ्न मीन्स बाधाएं आए, तुम उन्हें ढकेलते हुए, उन्हें पार करते हुए, ढकेलते हुए मतलब उन्हें पार करते हुए, उन्हें पीछे ढकेलते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ। घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, और आगे बढ़ते हुए आपसी हेल मेल प्रेम की भावना जो है, मिलजुल कर आगे बढ़ने की भावना, वह कभी भी कम नहीं होनी चाहिए और आपस में कभी भी वैर भाव बढ़ना नहीं चाहिए। भेदभाव, भिन्नता मीन्स बाहरी रंग ढंग के, बाहरी रंग रूप के आधार पर जो हम में भिन्नता है वह बढ़नी नहीं चाहिए, अर्थात आपसी प्रेम से मिलजुल कर तुम उस इच्छित मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाओ। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क तर्क से परे, किसी भी बहस से परे है कि सभी पंथ एक ही हैं, परमात्मा ने सभी को समान रूप से बनाया है, सभी में एक ही आत्मा का निवास है। इसके बारे में हमने पिछले पैराग्राफ्स में भी पढ़ा, सभी पंथ एक ही है, एक ही धर्म है सभी मनुष्य का। हाँ हो सकता है कि बाहरी भेद के आधार पर सभी ने अलग अलग धर्मों को अवश्य अपनाया है, ये हो संभव हो सकता है, लेकिन सभी को एक ही परमात्मा की संतान जानकर सतर्क पंथ हो सभी, सावधानी पूर्वक तुम आगे बढ़ो। सभी पंथ जो, सभी धार्मिक अगर हम वैसे भी देखें तो सभी धर्म हमें प्रेम की भावना का संदेश देते हैं, मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटने का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म किसी के प्रति वैर भाव किसी में नहीं बढ़ता। तो उस भावना को अपनाकर कि सभी एक ही इस परमात्मा की संतान है, इस तर्क से को अपनाकर सावधानी पूर्वक, सतर्क होकर सावधानी पूर्वक तुम आगे बढ़ो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तुम में इतनी शक्ति है, परमात्मा ने तुम्हें बल दिया है, सामर्थ्य भाव दिया है, शक्ति दी है, और स्वयं भी तुम इस जीवन से, इस भव सागर से तर जाओ और साथ में दूसरों को भी तारते हुए, अर्थात दूसरों का भी भला करते हुए तुम इस भव सागर से पार हो जाओ। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। तो इसको आपने किस तरह से लिखना है कि खुशी से सभी कष्टों को, सभी बाधाओं को पार करते हुए तुम आगे बढ़ो। और ये इस समाज की, इस हमारे जो आसपास जो लोग बस रहे हैं समाज में, उनकी उन्नति कैसे संभव है? जब तुम उनको अपने साथ लेकर कार्य करोगे और सभी कार्यों को संपन्न करोगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए, रास्ते में चाहे कितनी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए बिना किसी तर्क वितर्क के, मतलब बिना किसी बहस के, सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
और दूसरों का भला करना चाहिए और स्वयं भी उसका भला तभी संभव है जब वह दूसरों का भला करता है, दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों का के साथ मिलजुल कर काम करता है, तो उसके भी स्वयं के बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं और मनुष्य इस भव सागर से पार हो जाता है। तो इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें चाहे आगे बढ़ते हुए कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर अब हम बात करें कि क्वेश्चन आंसर्स की, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपकी बैक एक्सरसाइज में गिवन है 1 से लेकर 8 तक, दीज ऑल आर कनेक्टेड विद द पैराग्राफ्स। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, तो पहले पैराग्राफ में जो मैं एक्सप्लेनेशन मैंने करवाई है वहां से आपको इजीली इसका आंसर मिल रहा है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, इट इज गिवन इन द सेकेंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में दी गई है। कवि ने ददीची कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है, इसके बारे में भी नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो आपने सरलार्थ लिखा है उसी में से ही है, आपने इनको स्वयं सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन जो है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है। तो इसमें आपने पूरी कविता में जितने भी पैराग्राफ आए हैं, तो कवि ने हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ संदेश अवश्य दिया है, उसे अपने शब्दों में करना है। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, आपने अपना आई होप कि आपने सलाट कर लिए होंगे और अब आपने इस बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आज, राइट। सो आई विल शेयर द होमवर्क टुडे, आपको होमवर्क। सो संचयन बुक से हम पार्ट नंबर 2 सपनों के से दिन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि श्री गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखित है। पहले हम श्री गुरदयाल सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ हम जानेंगे। श्री गुरदयाल सिंह जी का जन्म 1933 ईस्वी में पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी के दिन हुआ और ये एक साधारण परिवार में जन्मे। इन्हें बचपन से ही कीलों और हथौड़ों से काम करना बहुत पसंद था। शिक्षा पूरी की और साथ में उसके बाद इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। इनकी पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई और गुरदयाल सिंह जी ठेठ ग्रामीण परिवेश और भाव बोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इनकी जो लेखन कार्य में ग्रामीण परिवेश के बारे में बहुत सारा वर्णन देखने को मिलता है। पंजाबी भाषा में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है और उसके परिणाम स्वरूप इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अपने लेखन गुरदयाल सिंह को अपने लेखन कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान आदि मिले हैं। बहुत से पुरस्कार इन्हें जीवन में मिले, बहुत से इन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक और 1 एकांकी भी लिखा और बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और बहुत सारी गद्य रचनाएं भी की हैं। गुरदयाल सिंह जी की प्रमुख कृतियां हैं मड़ीदा का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सान सवेरे और आत्मकथा है क्या जानू मैं कौन। तो गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 216 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे सपनों के से दिन। ये कहानी बहुत ही मन को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी को पढ़कर हमें बचपन की बहुत सारी बातें याद आती हैं। पेज नंबर 20 ऑफ योर संचयन बुक पर, पेज नंबर 20 पर है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव वो बताते हैं अपने हाल के बारे में, बताते हैं मेरे साथ खेलने वाले। लेखक किसकी बात कर रहे हैं? लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चे बचपन अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जब वे सब बच्चे मिलकर खेलते थे तो सब बच्चों का हाल एक जैसा ही होता था। जैसे कि खेलते हुए बच्चों को आपने देखा होगा या आप भी बचपन में खेलते रहे हो, तो उस समय कोई बच्चे बेपरवाह होकर खेलते हैं, उन्होंने क्या पहना है, चप्पल कहीं गिर जाती है और उनके कपड़े फट जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, एक दूसरे से कई बार लड़ते झगड़ते भी हैं। तो लेखक इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनका हाल भी, उन सभी बच्चों का हाल उन जैसा ही था।
बचपन में उनका उनके भी कपड़े फट जाते थे और बाल बिखर जाते थे और कई बार तो चोट तक लग जाती थी और धूल से वो भर जाते थे, मिट्टी से सन जाते थे और कई बार तो पांव भी छिल जाते थे और शरीर के कई हिस्सों की बात की है कि कई बार लहू लुहान भी हो जाते थे चोट लगने के कारण। और कई बार तो माँ या बड़ी बहन जिसको भी वो चोट लगने के बाद बताया करते, वो कभी तरस खाती और कभी कभी तो चोट लगने के बावजूद भी उनको डांट पड़ जाती और उनकी पिटाई होती। और कईयों के तो बाप इतने गुस्सैल थे कि पीटने भी लगते और ये ना ध्यान रखते कि बच्चे के नाक और मुंह से खून बहने लगा है और कहीं पर चोट भी लगी है, इस बात का भी ध्यान ना रखा जाता। तो ये सब बातें लेखक को कब समझ आई, जब उसने अध्यापक बनने के बाद चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, क्योंकि बीएड में ये विषय पढ़ाया जाता है और तब उसे बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में पता चला कि बच्चों को खेलना कितना अच्छा, इतना अच्छा क्यों लगता है और पिटाई होने के बावजूद भी वो फिर से खेलने चले जाते हैं। अक्सर बच्चों को जब मारा जाता है बहुत अधिक खेलने के पश्चात तो दूसरे दिन वो सब डांट डपट भूल कर फिर से उसी जगह जाकर खेलते हैं, वह इस बात से बेपरवाह रहते हैं। अब वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और जो उसके साथी थे उनके परिवारों के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उसके साथ खेलने वाले अक्सर जो साथी थे उनके परिवार भी उसके परिवार जैसे ही थे। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार थे, आसपास के गांवों से आकर बसे थे, दो तीन घर साथ की उजड़ी सी गली जिसमें कोई आता जाता नहीं था लोगों के थे और सबकी आते अक्सर मध्य जो ऐसे परिवार होते हैं उनके बच्चों की आते जो हैं मध्यम वर्ग के बच्चों की आते जो हैं वो आपस में मिलती जुलती होती है। और कुछ तो उनमें से स्कूल कभी गए ही नहीं थे और जो कभी गए वो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण बस्ता कभी तालाब में फेंक कर आ चुके थे और फिर माँ बाप ने भी जबरदस्ती नहीं की कि क्या करना है बच्चे को इतना पढ़ाकर, क्योंकि उस समय में इस बात से हमें पता चलता है कि उस समय में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। पर चूनिए आड़तीय भी बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। पर चूनिए कौन है, जहाँ से आप आटा दाल अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हो परचून की दुकान, और आड़तीय कौन है जो कि दलाली या कमीशन लेकर व्यापार करने वाले आड़तीय लोग, उनके बारे में। तो ये दोनों तरह के बच्चे जो दोनों परिवारों से थे उनके लिए लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। तो वो परंतु फिर भी वो लोग जो थे वो पढ़ाई को अधिक महत्व नहीं देते थे, इस बारे में बताया गया है। वो कहते थे हमने क्या करना है, इसको कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर। वो इस बात का कि दुकान के हिसाब किताब से तो वो ये बात बता रहे हैं कि बही खाता अगर रखना ही है तो उसके बारे में वो हिसाब किताब जो है वो इतना को हिसाब किताब रखना सीख ही लेंगे। और उसके बाद आलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया की बात किया। आलिफ बे जीम च उर्दू भाषा के अल्फाबेट्स को कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है। टर्न टू द पेज नंबर 22 पर अगर हम टर्न करते हैं तो आप देखो कि वहां पर बिगनिंग में बताया गया कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। कहता है कि राजस्थानी बोली हमें आती नहीं थी, हरियाणवी बोली हमें आती नहीं थी और उस समय हम छोटे थे, उनकी बोली कम समझ में आती थी और उनकी बातें उनके शब्द सुनकर जो वो बोलते थे बोली सुनकर हमें कई बार हंसी भी आती, परंतु भाषा प्यार में कोई बाधा नहीं बनती, वो एक दूसरे की बात को समझ ही लेते थे। बच्चे एक दूसरे के मन की बात समझ ही लेते हैं चाहे भाषा कोई भी हो। पता भी ना चला कि लोकोक्ति के अनुसार जैसा कि कहा भी गया है एक खेडन दे दिन चार कैसे कब बीत गए, अर्थात बचपन के दिन बहुत जल्दी बीत गए इसके बारे में हमें पता भी ना चला। और उसके पश्चात
कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, अर्थात बड़े हो गए, इस बारे में बताता है। बचपन की घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ये शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। और बड़े होने पर वो चीज़ें फिर जब मन में याद आती हैं तो मन खुश हो जाता है, परंतु आज और मन में वो लंबे समय तक, आज तक याद है, लंबे समय तक बसी रहती है। आदि शती, शती कहा जाता है शताब्दी, 100 सालों को। तो आदि शती यहाँ पर 50 ईयर्स को कहा गया, 50 साल की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अलियार के जो बड़े बड़े पेड़ों की टाइप है, पेड़ों का जो किस्म है उसको कहा गया है, बड़े बड़े ढंग से कटे हुए पेड़ों की जो खुशबू थी और जो फूलों की खुशबू थी, और फूल भी उसने बहुत सारे प्रकार के बताए हैं, गुलाब, गेंदा, मोतिया, दूध सी सफ़ेद कलियां, जो उनकी खुशबू थी आज भी मन में बसी है। और कई बार वो आंख बचाकर, चंदू चपड़ासी, आंख बचाना एक मुहावरा है, छिपना, छिप छिपा कर वो चंदू चपड़ासी की नज़र से कई बार फूल तोड़ते, कई बार फल तोड़ते, और कई बार वो कहता कि उसके बाद ना जाने वो फूलों और पत्तों का क्या किया करते थे। कई बातें जो है समय के पश्चात भूल भी जाती हैं, धुंधली सी हो जाती हैं कई यादें, और फिर उसे याद आता है कि माँ उन्हें निकाल के फेंक देती होगी, या कई चीज़ों को वो मुंह में डकार जाया करते थे, खा जाया करते थे, मेमनों की भांति चर जाया करते थे। मेमना बकरी के बच्चे को कहा गया है। अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने का एहसास होता। जब भी बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, बड़ी क्लास में हो जाते हैं, तो वो अपने आप में ही अच्छा फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं, सीनियर क्लास में हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, और वो उत्साहित भी होते हैं। परंतु दूसरी ओर और उसके बाद ही निरुत्साहित होने का कारण ये होता था कि दूसरी ओर नई पुरानी किताबों से ना जाने कैसी बात आती थी। मतलब कहने यहाँ से पता चलता है कि उन्हें किताबें सेकेंड हैंड पढ़ने को मिलती थी, और मास्टरों के डर से वो कांपने लगते जो पिछली कक्षा में पढ़ा चुके होते। पुराने अध्यापकों से वो मन ही मन भयभीत हो जाते, तो बड़े होने का एहसास, जो खुशी थी वो कुछ दबकर रह जाती। तब स्कूल में शुरू में एक दिन डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती, और फिर जैसे आप भी अप्रैल में न्यू सेशन में आते हो और उसके बाद मई में पढ़ाई होती है, जून जुलाई में छुट्टियां हो जाती हैं, तो वो भी एक डेढ़ महीना के बाद, जब पढ़ने के बाद छुट्टियां हो जाया करती, और वो कहते हैं कि अभी मुझे ये बात अच्छी तरह याद है, छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में क्या फ़र्क होता। जब छुट्टियाँ शुरू होने वाली होती तो वो बहुत उत्साहित होते, और जब छुट्टियाँ ख़त्म होती तो इस बात का डर होता कि फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। तो शुरुआती और आखिरी दिनों में बहुत ही अंतर हुआ करता। पहले तो जब शुरू होती तो 2-3 सप्ताह खूब धमा चौकड़ी मचाते, खेलते कूदते, नानी के ननिहाल मीन्स नानी के घर माँ के साथ चले जाते। नानी भी अपने नाती नातियों की बहुत ही आभगत करती, दूध दही खिलाती, मक्खन खिलाती, प्यार करती। नानी का जो घर था वो पिछड़े से गाँव का था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना बड़ा था, वहाँ एक तालाब भी था। तालाब क्या कह लो कि पानी छप्पर सा था, जहाँ बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हुआ हो जाता था, उसे तालाब कह दिया गया। और दोपहर तक उस तालाब में बच्चे नहाते और नानी से जो भी मन आता वो मांग कर खाते। नानी भी किसी बात को टालती नहीं थी और सारा दिन यही सिलसिला चलता रहता। कपड़े उतार कर कभी पानी में कूदते, कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले से टीले, टीला किसे कहा गया है, एक छोटी सी पहाड़ी को कहा गया है, पर जाकर रेत के ऊपर वो लेटने लगते, गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लतपत कर उसी तरह भागते, कभी ऊंची जगह चढ़ जाते, कभी तालाब में छलांग लगाते और कभी गंदे पानी से भीग जाते, और ऐसा वो बहुत बार दोहराया करते थे। हाथ पांव हिलाने ही उन्हें आते थे, केवल तैराक तो वो अच्छे थे नहीं, और एक दो साथियों को ही तैराकी आती थी, बाकियों को तैराकी बिल्कुल नहीं आती थी। फिर भी वो जब उनके साथी जिन्हें तैराकी नहीं आती थी गहरे पानी में जब चले जाते तो उन्हें बाहर आने के लिए बहुत सारे पैंतरे अपनाते कि बैंस के सींग को पकड़कर आ जाओ, दुम पकड़कर आ जाओ। दुम यहाँ किसे कहा गया है, पूंछ को कहा गया है। उन्हें सलाह दी जाती और किसी तरह कोई भी पैंतरा अपना कर किसी भी तरह से उन्हें बाहर निकाला जाता। उन्हें डांडस बताते अर्थात हौसला
देते थे। कूदते समय मुंह में कभी बार गंदा पानी भी भरता और कुछ खांसते हुए बाहर निकल आते, सांस रुकने लगती, हाय हाय करने लगते। हाय हाय करना पीड़ा से भरी हुई आवाज करना, तो किसी तरह वो उनको बाहर निकाला जाता। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते कि अब 4 रहेगी, 5 जाएगी, 6 रहेगी। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। और हर दिन नया डर बढ़ता जाता कि अब फिर वो तालाब में जो नहाना, मस्ती करना, खेलना कूदना सब भूल चुके होते, और मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब वो लगाने लग जाते। अब क्या हिसाब वो लगाते थे कि अब तो छुट्टियां बीतने लगी हैं तो अब कैसे हो पाएगा, काम इतना पड़ा होता, क्योंकि सारे दिन तो उन्होंने मस्ती में ही निकाल दिए होते हैं। तो इस तरह से इस बात की चिंता उन्हें सताने लगती। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल तो कभी ना बताते, मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी हुआ करता। पहले पहले सब बच्चे भी जैसे करते हैं कि हिसाब किताब लगा लेते, 10 दिन खेल लेता हूँ उसके बाद काम शुरू करूंगा, लेकिन वो ना जाने कब दिन बीत जाते और काम उतना का उतना ही होता। फिर कहते नहीं नहीं 5 ज्यादा कर लिया करूंगा, 2 ज्यादा कर लिया करूंगा। मतलब हर कोई बच्चा अपने हिसाब से अपने काम करने का ढंग सोचता है, उसकी कैलकुलेशन करता है, तो उसी तरह से वह भी किया करता था। और स्कूल की पिटाई का डर और उनके मन में बढ़ने लगता, वो अंदर ही अंदर कांपने लगते, परंतु डर बुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं, हम रोज ज्यादा सवाल निकाल लिया करेंगे, किसी न किसी तरह काम पूरा कर ही लेंगे। जब ऐसा हिसाब किताब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, मतलब दिन बहुत जल्दी बीतने लगते। छुट्टियां तो वैसे भी बहुत जल्दी बीत जाती हैं, हम सब जानते ही हैं। दिन बहुत छोटे लगने लगते, ऐसा महसूस होता कि सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो, अर्थात समय कैसे निकल जाता उन्हें इस बात का अंदाजा भी ना रहता। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता, उनका डर, स्कूल जाने का डर जो था वो मन ही मन भय मीन्स डर बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते थे। कहते कि कोई बात नहीं, अगर काम नहीं पूरा हुआ तो कुछ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर जो लोग थे वो मार ही लेंगे। तो वो ये मन ही मन अपने आप को दिलासा देते कि कोई बात नहीं, मार खा लेंगे, खेल लेते हैं और काम पूरा ना करते। हम तो पिटाई से बहुत डरा करते थे। लेखक अपनी बात बताता है कि मुझे तो मार से बहुत डर लगता था, पिटाई से बहुत डर लगता था। उन बहादुरों को बांती हम भी सोचने लगते, अब किसी ना किसी तरह वो अपने मन को हौसला दिया करते थे कि मार तो अब खानी ही पड़ेगी जब काम नहीं किया। ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा उनका एक मित्र था जो नेतागिरी करता था। अब ओमा की बात यहाँ पर लेखक बता रहा है